नमस्कार किसान दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ फार्मिंग एरिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि आप एक पावर टिलर राइस मिल यानी कि पावर टिलर राइस हलर के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो यह वीडियो उन भाई लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में पावर टिलर की राइस मिल के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप अगर कमेंट में बता देते कि आप कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, तो हमें पता चल जाता कि हमारा वीडियो कहां कहां तक जा रहा है और कहां कहां से लोग देख रहे हैं। इससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिली। तो चलिए, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा पावर टिलर मेगा T15 के ऊपर एक राइस मिल को फिट किया गया इम्प्लीमेंट से। देख सकते हैं, ये रहा किलोस्कर का मेगा T15, यानी कि ये 15 HP का पावर टिलर है, और ये रहा आपका राइस हलर जो कि 6 नंबर का राइस हलर है। अगर आपके पास किलोस्कर या फिर और दूसरा किसी भी कंपनी का है, तो आपका इंजन के कैपेसिटी के हिसाब से आप जो है राइस हलर फिट कर सकते हैं। अलग अलग कैपेसिटी के लिए अलग अलग तरह का आपको राइस मिल मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास BST का है तो उसमें भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास कैम्को का है तो उसमें भी आप राइस मिल लगा सकते हैं। दोस्तों, क्या इससे क्या होगा कि आप तो पूरा साल भर टिलिंग या फिर पर्लिंग का काम तो नहीं करते होंगे ना। जब आपका टिलिंग और पर्लिंग का काम ख़त्म हो जाता है तो आपके घर पर ही ऐसे खड़ा रहता है 6 से 7 महीना। तो उसी टाइम के अंदर अगर आप ये राइस मिल फिटिंग कर लेते हैं तो उससे भी आप बहुत सारे पैसे जनरेट कर सकते हैं, आपका अर्निंग बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम इस पावर टिलर का कीमत की बात करें तो ये आपको 2,35,000 के आसपास मिल जाएगा। इस पावर टिलर के ऊपर भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप ये वाला सिस्टम लेना चाहते हैं तो आपको जो राइस हलर है वो अलग से आपको खरीद के लगाना पड़ेगा। आइए बात करते हैं इसमें आप कैसे इसे फिट कर सकते हैं। इसे पावर टिलर के साथ अटैच करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो आपका पावर टिलर का बेल्ट कवर है, बेल्ट कवर को निकाल दीजिए और वहाँ से दो वी बेल्ट को लेके आप राइस मिल के साथ अटैच कर सकते हैं। इस राइस मिल को आप पावर टिलर के ऊपर या फिर आप बाहर भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको सुविधा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि आपको ये राइस हलर कहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, आपके नज़दीकी किसी भी मशीनरी शॉप में जाइए, किसी भी डीजल मशीनरी शॉप में जहाँ पे पावर टिलर या फिर कोई दूसरा इम्प्लीमेंट्स मिलता है, उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाते नहीं करवा पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर आप हमें ईमेल कर दीजिए, हम आपको पूरी की पूरी सहायता प्रदान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अगर आप पावर टिलर खरीदना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, चाहे वो कैम्को का हो गया, BST का हो गया या फिर किलोस्कर का हो गया, इनके ऊपर सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा सब्सिडी का व्यवस्था किया गया है। इसके द्वारा दिया गया सभी स्कीम का लाभ उठाइए और आप किसी भी फ्रॉड का शिकार मत बनिए। सही डीलर के साथ आप संपर्क करके ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप ले सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ भी आप संपर्क करके सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कुछ नया लेके आपके साथ आएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।